नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ पांच ऐसी चीजें जो लक्ष्मी आगमन को रोकती हैं। जी हाँ, आप इतनी जीतोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन जीतोड़ मेहनत करने के बावजूद भी आप पर्याप्त धन, जितनी आपको जरूरत है, उतना नहीं कमा पाते। बहुत परेशान हो जाते हैं, आखिरकार ऐसा क्यों? तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार इसको वास्तु आग्रह का दोष भी माना गया है। अगर आप इन पांच चीजों को जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इस पे थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपके घर में लक्ष्मी प्रवेश आसानी से हो सकता है। तो पहला उपाय है प्रवेश द्वार। जी हाँ, प्रवेश द्वार। जिस प्रकार व्यक्ति प्रवेश द्वार से आगमन करता है, उसी प्रकार देवी लक्ष्मी भी हमारे प्रवेश द्वार से ही आगमन करती है। इसलिए प्रवेश द्वार सदैव स्वच्छ और साफ रहना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर प्रवेश द्वार पर गणेश जी की मूर्ति के साथ साथ स्वास्तिक का प्रतीक भी लगा दें तो देवी लक्ष्मी जी की कृपा उस पर अवश्य ही होती। अगली चीज है घर की तिजोरी। जी हाँ, अधिकतम व्यक्ति अपनी नकदी, गहने घर की तिजोरी या अलमीरा में ही रखता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की तिजोरी और अलमीरा की जगह बहुत ही मायने रखती है। इसलिए घर की तिजोरी अलमीरा को दक्षिण पश्चिम में रखना बहुत ही शुभ माना गया है। लेकिन ध्यान रहे कि अलमीरा हो या तिजोरी हो, उसको कभी दीवार से सटाकर न रखें। अगली चीज है घर की सीढ़ियाँ। जी हाँ, सीढ़ियाँ बनाते समय इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि सीढ़ियाँ उत्तर दक्षिण की दिशा में हो, क्योंकि ये दिशाएँ धन को आकर्षित करने वाली दिशाएँ मानी गई हैं। अगर सीढ़ियाँ इस दिशा में होती हैं तो लक्ष्मी जी का आगमन जल्दी होता है। अगली चीज़ है घर का नल। जी हाँ, घर का नल टपकना भी पैसे के नुकसान की ओर संकेत करता है। इसलिए कभी भी घर का नल टपकना नहीं चाहिए। आप उसको बराबर ध्यान रखें कि अगर घर का नल टपक रहा है, खराब है, तो उसको तुरंत बदलवा दें। अगली चीज़ है घर की छत। जी हाँ, घर की छत भी धन प्राप्ति में विशेष महत्व रखती है। घर की छत बनाते समय उसका ढलान दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होना बहुत ही आवश्यक होता है। आप देखेंगे कि आपके घर में धन का आगमन शुरू हो गया है। घर में लक्ष्मी आगमन के लिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि अपने खिड़कियाँ, अपने दरवाजे को साफ सफाई रखें और उनको हमेशा सजा के रखें। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे भी मैं कुछ ऐसे ही उपचार लेकर आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।